हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एग्जांपल। सपोज दैट बुलियन फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे या नहीं। या इफ वी विल टेक कॉमन और y एज अ कॉमन, देन व्हाट वी विल हैव, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इन टू वाई। सो दिस इज नथिंग बट वन, सो इट विल बी। इसका मतलब यह है कि किसी भी बुलियन फंक्शन को हम लोग अल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट यूज कर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे टू सिंप्लीफाई एनी बुलियन एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया टेक्निक को सीखेंगे, दैट इज नथिंग बट के मैप। और दिस इज अ मैप मेथड टेक्निक। तो सबसे पहले इसे प्रपोज किया गया था वीएच के द्वारा, एंड उसके बाद मॉडिफाई किया गया कार्नॉक के द्वारा, एंड उसी के नाम पे इसको नाम दिया गया के मैप। तो इन्हीं के नाम पे इस टेक्निक को या तो वीएच मैप बोला जाता है, और वीएच डायग्राम बोला जाता है, और कार्नॉक मैप बोला जाता है, एंड शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, के मैप। तो आज हम लोग के मैप को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। के मैप इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। सपोज दैट वी आर हैविंग फोर स्क्वायर्स हियर, and each square is represented by min terms. So, map जो है एक visual diagram है which represents any boolean functions, और उसको simplify कर एक standard function में convert करता है। तो अब हम लोग इसको समझेंगे एक example को लेकर के। Suppose that we have two boolean or binary variable x and y. तो इसके लिए हम लोग पहले truth table generate करेंगे कि what we are getting for function f. Suppose that we have four possibilities. Suppose 0, 0 के लिए output 1 आ रहा है, 0, 1 के लिए 0, for this 1 and 1. तो इसको हम लोग KMAP में कैसे represent करेंगे? So we are having two variable, right? So x will be here, y will be here. So we will transform this truth table in this format, right? Or KMAP. So this is M0. If we talk about min term, this is M1, M2 and M3. So first square represents M0, then M1, M2 and M3. So x and y ki jo different possibility hai, so either ye 0 ho sakta hai ya 1 ho sakta. Usi tarah se x 0 ya 1. Iska matlab ye 0, 0. Right, and this is 0, 1. So first x, then y. उसी तरह से x का value 1, y का value 0, x 1, y 1. तो 0, 0 मतलब क्या हुआ? M0. So first square is for M0. Second 0, 1. 0, 1 किसको represent कर रहा? M1. So M1 is another min terms, and this is M2, this is M3. तो ये जो है representation for two variable map, right? टू वेरिएबल मैप। यदि थ्री वेरिएबल होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरह से उसका हम लोग मैपिंग करते हैं। तो m0 का वैल्यू क्या है? 1. सो वी विल पुट 1 हियर। सो वी विल मेक अनदर डायग्राम। सो m0 की जगह पे क्या आएगा? 1 0 1 1. इफ वी विल मेक फंक्शन यूजिंग दिस मैप, देन व्हाट वी विल हैव टू कंसीडर, यहां पे 1 है, another one and another one. So one is giving x complement, y complement. Another one, this is giving, this is actually m2. So m2 is x, y complement, and this is m3, x, y. So f ka value jo hoga, that is x complement, y complement, and you have to all add all the min terms. So x complement, y complement, another min term, x, y complement, and this one x1, y1, so x into y. But this is not minimized, right? Or this is not simplified function. So, ab hame karna kya padta hai? KMAP provides a special technique to minimize or simplify the Boolean expressions. So, you have to club all the ones. One ko club karenge is for us. Isko kaise club karte hain? Iske liye hum log discuss karenge later on. And another possibility of clubbing one is this one, right? Consecutive one, जिसे यहाँ पे भी one है, next box में भी one है.
तो इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सो एक फंक्शन हमें मिलेगा इन दो वन को क्लब करने के लिए करने से, एंड अनदर फंक्शन वी विल हैव फ्रॉम हेयर। तो इसमें हम लोग कैसे एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे? सो यदि हम लोग x की बात करें, सो x इज जीरो है, x इज वन है, सो x इज चेंजिंग, सो वी विल नॉट हैव टू कंसीडर x, बट y इज जीरो फॉर ऑल दी वन। सो इसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। सो y का वैल्यू क्या? जीरो। सो दिस विल प्रोड्यूस y कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें इस वन एंड वन का, तो x इज नॉट चेंजिंग, x का वैल्यू क्या है? वन, इस पोजिशन पे भी, x इस पोजिशन पे भी, बट y का वैल्यू जीरो एंड वन। सो इस केस में हम लोग x को कंसिडर करेंगे एंड x की वैल्यू क्या है? वन। सो दिस इज x एंड फाइनली वी हैव टू एड। तो इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन आएगा f, दैट इज नथिंग बट x प्लस y कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई एनी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग KMAP। तो अब हम लोग देखेंगे कि थ्री बाइनरी वेरिएबल के लिए KMAP कैसा जनरेट होगा। सो थ्री वेरिएबल x, y, z के लिए ट्रूथ टेबल में टोटल एंट्री कितनी हो जाएगी? 8 एंट्रीज, राइट, m नॉट से M7 तक। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं KMAP के थ्रू। सो x को रिप्रेजेंट किया हमने इस साइड एंड yz को एक साथ रखा। सो x का दो पॉसिबिलिटी 0, 1, उसी तरह से yz का 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। बट यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमने 1, 1 लिखा देन 1, 0 लिखा। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्रेफ फॉर्मेट में होता है। एंड ग्रेफ फॉर्मेट क्या होता है कि इच इंडिविजुअल बिट्स जो होता है सिंगल बिट से चेंज हो सकता है। जैसे इसका हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बॉक्स को m0 को क्या लिख सकते हैं? 0, 0, 0। इसको क्या लिख सकते हैं? m1 को 0, 0, 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बिट चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ग्रेफ फॉर्मेट में होता है। सो KMAP का रिप्रेजेंटेशन जो ग्रेफ फॉर्मेट में किया गया है। नेक्स्ट बिट की यदि हम बात करें, दिस इज नथिंग बट m3। सो दिस इज m0, m1 एंड दिस इज m2, दिस इज m3। तो m2 क्या है? 0, 1, 0। उसी तरह से m3 क्या है? 0, 1, 1। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट बिट यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ एक बिट चेंज हुआ है। तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्रेफ फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि इस पोजीशन और M3 का जो बिट चेंज होगा, इस पोजीशन से एक बिट चेंज होगा और इस पोजीशन से भी एक बिट चेंज होगा, और आप इससे भी कंपेयर करेंगे तो एक बिट और सिंगल बिट चेंज होगा। सो दैट इज द रीजन बी राइट इन दिस फैशन। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि चार वेरिएबल होगा देन यू विल हैव टू टेक टू वेरिएबल दिस साइड एंड टू वेरिएबल दिस साइड एंड यू हैव टू फॉलो द सेम रूल, सेम टेक्निक, जैसे कि ग्रेफ फॉर्मेट में होता है। सो सिंगल बिट चेंज होना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग KMAP से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ KMAP एंड व्हाई डू वी यूज KMAP। थैंक यू सो मच।